इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा। बुझे सिगरेट पीड़ी, दिखे चलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें, ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। नमस्कार दर्शकों, हमेशा की तरह हम आज भी आपके सामने एक सच्चाई को पेश करने वाले हैं। आज हम एक बहुत ही खास विषय पेश करेंगे और उस पर बहस भी करेंगे। कश्मीर के पश्चिमी इलाके में बॉर्डर के करीब गला काटकर दो जवानों की हत्या कर दी गई है। इस हादसे से पूरा देश सदमे में डूबा हुआ है। इस तरह की घटनाएं हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। ऐसी घटनाएं LOC पर अक्सर होती रहती हैं और हम ये अक्सर सुनते ही रहते हैं। हमारे देश के बॉर्डर पर दिन रात पहरा देने वाले सेना के वीर जवानों पर दुश्मन हमेशा ही कहर ढाते रहे हैं। बॉर्डर के इलाके में न सिर्फ सेना के वीर जवान बल्कि हमारे देश के कई आम नागरिक भी शहीद हो चुके हैं और इसी विषय पर आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेजर तिरुमल गांधी, नमस्कार, कानूनी सलाहकार श्री चंद्र मोहन जी, नमस्ते, और जाने माने पत्रकार AP नारद, नमस्ते। आज हमारा पहला सवाल मेजर तिरुमल गांधी जी से है। हमारे देश का सिपाही जब शहीद होता है, चाहे वो गोली से हो, किसी हादसे से हो या फिर गला काटने से हो, तो उसे हम उग्रवादी या आतंकवादी हमला कह देते हैं। लेकिन अगर अचानक कोई जवान गुम हो जाए या फिर लापता हो जाए, उसकी क्या वजह हो सकती, जरा ये बताइए। देखिए, जब भी फोर्स का जवान या फिर ऑफिसर लापता हो जाता है और ये खबर मीडिया में आती है तो हमें ही नहीं बल्कि पूरे देश को इस पर दुख होता है। ये तो हकीकत बात है, हर कोई जानता है। इस तरह का हादसा जब कभी भी हमारे देश में होता है तो सच्चाई को बाहर लाने में बहुत वक्त लगता है। अब आप बताइए कि इसकी वजह क्या है। हादसा होता है तो हमें पता नहीं चलता, वो हमें उस वक्त पता चलता है जब ऐसे मामले हमारे सामने आते हैं। उसकी वजह क्या है ये जानने के लिए हमें बहुत वक्त लगता है, ये बात आप ही जानते हैं। कितने जवान शहीद होते हैं, उनका सर काट दिया जाता है, लेकिन हम क्या कर पाए? आखिर हमारा देश क्या कर पाया? हर रोज हमारे देश में ऐसी घटना घटती रहती है, फिर भी हमारे राजनेता कुछ नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह क्या है, क्यों है ऐसा? ये सब एक राजनीति का ही खेल है। हर कोई अपनी ही सीट बजाकर रखने के लिए तरह तरह के वादे करते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन कोई भी उन शहीदों के बारे में नहीं सोचता क्योंकि इनमें उनको अपना राजनीतिक फायदा नहीं मिलता। मरने वाले मरते रहे, जीने वाले जीते रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं। आखिर कब तक चलता रहेगा? कोई जवान अचानक गायब कैसे हो जाता है, क्या वजह है? कोई अचानक गायब नहीं होता। LOC पर कोई ब्लैक मैजिक नहीं चलता है और ना चलेगा। गायब होने के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। मेजर, मैं आपकी बात से सहमत हूं, हादसा होने से पहले ही हमें सतर्क रहना होगा। ये कमजोरी है कि मैं बताता हूं, कोई भी इल्जाम अपने सर पर नहीं लेता, कोई भी अपने आप को गलत नहीं ठहराता। अच्छा, LOC पर इस तरह के गायब होने की घटना आगे भी चलती रहेगी या फिर इसे रोकने के लिए कोई कदम उठाया जाएगा? इस तरह की घटना आगे भी हो सकती है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते हम। LOC को क्रॉस करके उस तरफ जाने का रीजन क्या है? इसे जाने बिना कोई राय देना इस तरह है। के हादसों को रोकना हमारा फर्ज है, हमें कोई सख्त नियम लाना होगा। ये एक हादसा है, एक अनहोनी है, बस एक एक्सीडेंट है। ऐसा बहाना बनाकर ऐसे बातों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी वजह से हमें ऐसे कारणों का पता लगाकर उसे सख्ती से रोकना चाहिए। यही हमारा फर्ज है, यही करना चाहिए। हमारे देश की हिफाजत करने वाले नौजवानों में से एक नौजवान LOC पर अपना फर्ज निभाते हुए गायब हो गया। वो बॉर्डर पर अपने देश की रक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की एक टुकड़ी का नौजवान था जिसका नाम था वासु। उस जाबाज सिपाही के लापता होने की वजह से उसके घर वालों पर क्या गुजरी है, आइए जरा हम देखते हैं। पता नहीं इस वक्त मेरा बेटा किस हाल में होगा, मुझे उसे एक बार देखना है।
मेरा दिल कह रहा है मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ होगा। सरकार से मेरा निवेदन है कि उसका जल्दी से पता लगाए। राजनेताओं को इसका जवाब देना ही होगा। बासु को ढूंढ कर लाना होगा। माँ बाप की देखभाल करना बच्चों का फर्ज है। अगर उनका सहारा छीन लिया जाएगा तो उनका क्या होगा? लापता होने वाला वासु अभी इस वक्त कहाँ है? क्या वो मारा गया या फिर जिंदा है? कहीं ऐसा न हो कि एक दिन उसका भी कटा हुआ सर LOC के पास मिले। ऐसे ही कई सवालों का जवाब पाने के लिए आज पूरा देश बेचैनी से इंतजार कर रहा है। चले तो सारे इंडियंस को ऐसे ही तड़पा तड़पा कर मारूं, क्योंकि तुम लोगों का कोई धर्म नहीं है, तुम लोगों का कोई मकसद भी नहीं है। तुम सबको चुन चुन कर मारने के लिए ही मैंने ये वर्दी पहनी है। मेरे सीने में तुम लोगों के लिए सिर्फ नफरत है, सिर्फ नफरत। मेरा एक ही मकसद है, एक ही सपना है और एक ही देश है, मेरा अपना देश। मैं अपने देश का एक दिन का भी तुम्हारे हाथ नहीं लगने दूंगा। तुम लोग हमारे देशवासियों को तड़पा तड़पा कर मार रहे हो, उसका बदला मैं कैसे लूंगा जानते हो? तुम्हारे सर काट कर। जब तक यहाँ मौजूद तुम में से हर एक का सर में काट काट कर बदला नहीं ले लेता, तब तक मेरे सीने में लगी आग बुझ नहीं पाएगी और मैं चैन से सो नहीं पाऊंगा। तुम्हारे सारे साथियों को, तुम्हारे सारे खानदान को, जब तक कश्मीर पाकिस्तान को नहीं मिल जाता, मैं चैन से नहीं रहने दूंगा। जिसने भी यहाँ से भागने की कोशिश की तो उसका सर काट कर LOC पर फेंक दूंगा। तुम्हारी जिंदगी अब तुम्हारी नहीं रही, वो मेरे हाथ की कठपुतली बन गई है। तुम्हारी मौत का फैसला अब मैं करूँगा, मैं अब तुम्हारा मालिक हूँ। आज किसकी मौत लिखी है ये जानने के लिए सब तैयार हो जाओ। तुम लोगों के आदमियों के हाथों ही तुम लोगों को मरवाऊंगा। जिसे कुछ दिन जीना है वो दूसरे को मारेगा, नहीं तो हमारी गोली उसे मार देगी। Yeah!
मैं तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, आज पाकिस्तान की एक जेल में अत्याचार झेल रहा हूं, जिसका कारण है मैं एक इंडियन हूं। मैंने पहले कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि देश क्या होता है, लेकिन देश का सिपाही बना तो देश की कीमत समझ में आई। मैं जब छोटा था तब बहुत शैतानी करता था, किसी की नहीं सुनता था, अगर कोई कुछ समझाता तो मैं उसका उल्टा ही करता, इसलिए सबसे कमजोर स्टूडेंट था। टीचर्स की बातों को हमेशा मजाक में उड़ा दिया करता, ये भी नहीं समझता था कि राष्ट्रगान की इज्जत देश की इज्जत होती है। कोई कुछ भी कहता, मैं अपनी शैतानी से बाज नहीं आता। मेरे बड़े पिताजी का बेटा, मेरा बड़ा भाई प्रकाश, मेरे बिल्कुल उल्टा था। वो बहुत सिद्धांतवादी था, वो हर चीज में परफेक्ट था, बहुत बड़ा देशभक्त। उसके दिल में एक ही इच्छा थी, देश की सेवा करना। आठवीं क्लास में वो एनसीसी में भर्ती हो गया, मैं भी हो गया। पता नहीं ये मेरे भाई के प्यार की वजह से हुआ या फिर मेरे शौक की वजह से हुआ। मेरी क्लास की एक लड़की ने एनसीसी में जाने के लिए हाथ उठाया और मैंने भी उठा दिया। मेरा भाई अपने आप को मिलिट्री का जवान समझने लगा था। एनसीसी के टीचर जो भी उसे बताते वो दिलो जान से वही करता, लेकिन मैं अभी भी ठीक उसका उल्टा ही करता। उस लड़की को लाइन मारने के चक्कर में मैं हमेशा एनसीसी टीचर की मार खाता, लेकिन फाइनली मैं एनसीसी का सीरियस कैडेट बन गया और वो लड़की भी सीरियस कैडेट बन गई। मैं किसी काम में भले ही सिंसियर ना रहा हूँ, लेकिन एक बात में जरूर सिंसियर था, दोस्तों के साथ मिलकर पूरे गांव में उधम मचाना। Yeah.
इंडिया से लेके मैं और मेरे भैया एनसीसी स्कूल कॉलेज मंदिर गांव शहर कहीं भी हो साथ साथ जाते थे, लेकिन जब घर जाते तो अलग हो जाते, जिसका कारण है मेरे पिताजी मक्खन लाल और बड़े पिताजी सूरज लाल। दोनों में बरसों से दुश्मनी चली आ रही है। दोनों की ही दुकानें मंदिर के पास आमने सामने हैं। बस थोड़ा बहुत कारण मिला नहीं कि दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया। अक्सर होता ये कि लड़ाई होती उन दोनों भाइयों में और बलि चढ़ते हम दोनों पे। ना बाबा, मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर आपके साथ छुट्टे पैसे गिनूं? है, ये मुझसे नहीं होगा। कल से तू मेरी दुकान पर मेरे साथ बैठेगा। हमें उससे आगे बढ़ना है और अपनी दुकान को बड़ा बनाना है। बस हम दोनों भाइयों को कॉलेज छुड़वा दिया और दुकानों पर बिठा दिया। ये बोरियां उठाने के लिए कॉलेज में पढ़ाई की हमने? छोड़ना बाजू, ये गधा मजदूरी कुछ ही दिन के लिए है। कुछ ही दिनों के लिए हम लोग कश्मीर जा रहे हैं। ये तो जागते हुए सपने देख रहा है, कश्मीर जा रहे हैं। वरना हमें अपनी पढ़ाई की सारी डिग्री पे आग लगा के फूंकनी पड़ेगी। हम कश्मीर जाएंगे, वहाँ 12 महीने ठंड रहती है, हर वक्त कंबल ओढ़ के सोए रहेंगे। हाँ वो तो ठीक है, पर कश्मीर क्यों जा रहे हो? मल्लिका से मिलने जा रहे हो क्या? उसे जोड़ना बाजू, हम मिलिट्री में भर्ती होंगे। आप भी ना भैया, ये हमारे बस का नहीं है। क्यों? हाथ में बंदूक लेके लड़ना पड़ता है। ए पागल, लड़ाई सालों में एक बार होती है, बार बार नहीं। 1971 में एक बार लड़ाई हुई थी कि नहीं? उसके बाद कब हुई? 1999 में कारगिल युद्ध हुआ। उसके बाद कोई लड़ाई हुई क्या? पेट भर खाना खा के पूरे कश्मीर में आराम से घूमते हुए रहेंगे। अगर बीच में कोई लड़ाई हुई तो छुट्टी लेकर गाँव चले आएंगे। अरे सरकारी नौकरी है भाई। तुझे मैं खास बात बताता हूँ, गवर्नमेंट में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, लेकिन हर डिपार्टमेंट को पीने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन एक को मिलता है, वो है मिलिट्री वाले, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा रिस्क उठानी पड़ती है, इसलिए उन्हें पगार के साथ ड्रिंक भी मिलती है। ये ड्रिंक के चक्कर में युद्ध में ढकेल रहा है। हमें एक बोतल के लिए दुकान दुकान भटकना पड़ता है और 4 गुना ज्यादा पैसे भी देने पड़ते हैं। लेकिन उन्हें सस्ते में मिल जाती है। बहुत बढ़िया भैया, आप बहुत कुछ जानते हैं। हाँ। अगर मैंने एनसीसी ठीक से की होती ना तो मैं भी जानता। नहीं, मुझे एनसीसी वालों ने नहीं बताया। भैया एक ही रात में और कितने झटके देने वाले? तुझे एक और सच्चाई बताता हूँ, हमारे घर की दीवार पे एक फोटो लगी है नागराज चाचा जी की। वो मरे नहीं, जिंदा है, बीएसएफ में है। क्या वो अभी तक जिंदा? हाँ भाई, इसीलिए हम भी बीएसएफ में भर्ती होंगे और चाचा जी से मिलेंगे। वो मेरे गुरु हैं, मैं उन्हीं के बताए रास्ते पे चल रहा हूँ, और अब मैं हुआ तुम्हारा गुरु। तुम मेरे बताए रास्ते पे चलोगे, किसी भी वक्त हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, तैयार रहो। आगे बढ़ना। ए, इतना क्यों डर रहा है? ये एक फॉर्मेलिटी है बस, चला। टेंशन मत ले भाई, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कई जगह फोन पे बात की है। तो फिर तू ये सोच रहा है कि वॉर होगी तो क्या होगा? वो नहीं सोच रहा हूँ भैया, आपको पता है शराब मिलती है, वही सोच रहा हूँ। तुम्हें मेरी बात पे डाउट हो रहा है क्या? ओफो,
लगता है ये कुछ और ही सोच रहा है। किसी से पूछकर कंफर्म कर लूं क्या भैया? किससे? सर क्या है? एक मिनट इधर आइए। क्या कर रहे हैं? कुछ डाउट है सर, मुझे नहीं इन्हें। क्या डाउट है? यही कि वो जो वहाँ बैठे वो क्यों इंटरव्यू ले रहे हैं? वो भी बीएसएफ के ऑफिसर है। नहीं वो बात तू चुप कर। तो वो खाकी ड्रेस में क्यों है? हम लोग ऑफिस में खाकी और फील्ड में फौजी ड्रेस पहनते हैं। क्यों भाई ये क्या है? हाइट बढ़ाने के लिए। आजकल की फिल्मों में हीरो लोग भी हाइट बढ़ाने के लिए यही करते हैं। ओहो बच गए। हे तू कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहा है, अभी शांत रह। पहले हमारा कश्मीर जाना तो कंफर्म हो जाए। नेक्स्ट सौ वन मिनट सौ। सर नागराज जी ने फोन किया था। हु इज नागराज जी? वो भी आपकी तरफ बीएसएफ में ऑफिसर है। वो जरूर फोन करेंगे। मेरा लालन पालन जो है मिलिट्री परिवार में ही हुआ है। आई एम फिट। वो जो पीछे खड़ा हुआ है ना, वो दरअसल मेरा छोटा भाई है। मैं जैसे नागराज जी का भतीजा हूँ, वैसे वो भी उनका भतीजा है। सर वो थोड़ा कच्चा है, मेरे साथ उसे भी सिलेक्ट कर लीजिएगा ना। मेन लाइन में खड़े हो। ओके सर। थैंक यू सर। ओके नेक्स्ट। हे रुको। क्यों सर? अपना जूता उतारो। किस लिए सर? यहाँ फिल्म हीरो की तरह डांस करने आए हो क्या? सर जूता उतारो। सर प्लीज सर, जूता उतारने को कह रहा हूँ ना, जाओ। कितनी हाइट है इसकी? हे ठीक से खड़े हो? हाँ ठीक है। क्या सर? इंच। सर एक मिनट सर, नागराज जी का फोन आया था, जरा पूछ के बताइए ना। 42। जोर से सांस लो, अपनी छाती फुलाओ सीने में सांस भर के। भैया कश्मीर कंफर्म है। भैया न्यूड होकर आइस में गुलाटिया खाते हुए चिल बियर पिएंगे। नहीं हो सकता। क्या हुआ? आतंकवादियों से देश को बचाने का सपना देखा था। आतंकवादियों से देश को हम बचा लेंगे, तुम जैसों से देश को बचाना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। जा यहाँ से। सपना टूट गया। जा बेटा जा, तुझे जो भी सही लग रहा है वो कर, लेकिन ईमानदार रहना। चुप रहिए जी, सुबह शाम दुकान में जब बैठता था तब किरकिरी करते रहते थे, अब अपने हिसाब से कुछ बनना चाहता है तो बनने दीजिए ना। बेटा वासु इधर आओ। आओ जरा यहाँ पर खड़े रहना। हे भगवान मेरा इकलौता बेटा है, इसकी हमेशा रक्षा करना। अपनी शर्ट उठा। उठा कह रही। क्या कर रही हो? तू चुपचाप खड़ा रहना बेटा। 6 साल की उम्र में पहली बार कमर की डोरी पहनाई थी, तब नहीं पहना तो अब क्या पहने? मेरी सांस है और ये धागा मेरा आशीर्वाद है, चाहे कुछ भी हो जाए कभी इसे अपने से अलग मत करना, ये हमेशा तेरी रक्षा करेगा। अपना ख्याल रखना बेटा। दुकान की आराम की जिंदगी छोड़कर मेहनत मजदूरी करने 3000 किलोमीटर। राजा महाराजाओं की जिंदगी, आप ही को मुबारक। अरे तुम उनको छोड़ो ना, ये बताओ बैंगलोर में तुम ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो या वहाँ घूमने जा रहे हो? दीदी अब आप भी शुरू हो गयी। क्या कह रही है? ये अपना सपना पूरा करने जा रहा है, अपने देश की हिफाजत करने जा रहा है जो इसका धर्म है। हमारा क्या है, हम तो यही रहने वाले हैं। देख बेटा अगर तेरा वहाँ मन नहीं लगे, तुझे ज्यादा तकलीफ हो तो तू अपनी माँ के पास लौट आना। हाँ ठीक है मैं चलता हूँ। We'll be right back.
the most dangerous border of the world. इस वक्त जहां आप खड़े हैं, and the most costly place of India. Yes, इस जगह को हमारा देश बहुत अहमियत देता है और इसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास करता है, क्योंकि ये हमारा गौरव है. After all, 550,000 मैन पावर रखने वाली पाकिस्तानी आर्मी 11,00,000 मैन पावर वाली हमारी आर्मी को चुनौती दे रही है, और उसका कारण ये जमीन है. हिंदुस्तान की इज्जत को बचाना अब आपके हाथों में है. Proud to be a BSF because not everybody can get this chance. You are all lucky. Get ready to prove your love for your country. चलो चल 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 यार. Boy, you just follow my instructions. We will do the rest. देख रहा है? अपने में ही खोया है, पता नहीं क्या सोचता रहता है. हे वासु, चल जल्दी आ. अपना गांव छोड़कर इतनी दूर कुछ करने के इरादे से आया हूं. अपने माँ बाप से नाराज होकर नहीं, अपने माँ बाप से नाराज होकर यहाँ कोई नहीं आता. अपने देश की रक्षा के लिए ही हर जवान यहाँ आता है. मैं जब अपना गांव छोड़कर चला था तब यही सोचा था कि मेरे गांव के लोग मुझे यहाँ मिलेंगे, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि अपने गाँव का अकेला मैं ही यहाँ पर हूँ. यहाँ आते समय जो खुशी थी वो यहाँ आकर गायब हो गई. सोचा था कि आराम वाली नौकरी करूँगा. फौज में भर्ती होने के बाद बंदूक लेकर खड़ा रहना, वो भी तन्हा, कितना मुश्किल काम है, ये मुझे अब पता चला. जिंदगी अकेले गुजारनी पड़ेगी. अगर ये पहले पता होता तो मैं फौज में भर्ती नहीं होता. एक दूसरे का चेहरा देखे कई कई दिन हो जाते हैं, ये किसी कयामत से कम नहीं. तन्हाई, तन्हाई और तन्हाई, और ये बात मैं किसी से कह भी नहीं सकता. यहां जहां तक नजर ले जाओ वहां खामोशी ही खामोशी है. बहती नदी का पानी बहुत साफ होता है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभी उसमें धूल और मिट्टी भी मिल जाती है. और हाँ, फौजी की जिंदगी वैसे हमेशा तन्हा नहीं होती. उसे दुश्मनों से लड़ते हुए सर्दी, गर्मी और मच्छरों का भी सामना करना पड़ता है. पापा का कहना न मानकर मैंने अपने सर पर बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली. ये मेरे बस का नहीं है. यहां मेरा दिल नहीं लगता. मेरा दिल चाहता है कि मैं वापस अपने गांव भाग जाऊं. मेरे दिल में ये बात आई थी कि अचानक एक दिन क्या हुआ भाई साहब? क्या भाई, तू हमेशा गुमसुम रहता है, आज हंसकर पूछ रहा है भाई साहब क्या हुआ? लेकिन हुआ क्या?
चेक पोस्ट पार करते ही सलामाबाद रोड पर अचानक एक लड़की हवा की रफ्तार से गाड़ी के सामने आ गई। पल भर के लिए तो मेरी जान ही निकल गई थी। लेकिन मुझ में जान आ गई थी। मेरा दिल पहले मेरे काबू में था, लेकिन उसे देखने के बाद अब नहीं रहा। तनाई में उससे बातें करता हूँ, उसकी यादों में खोया रहता हूँ। तनाई में मुझे आसपास वही नजर आती है। पता नहीं मुझे क्या हो गया। अकेले में हंसता रहता हूँ। कल तक मैं तन्हा था, आज उसकी यादें मेरे साथ हैं। स्टॉप। पता नहीं फिर कब नजर आएगी, यही सोचता हूँ। नहीं मिली तो जाने क्या ये मुझको गया रे। दिल मेरा मुझसे खो गया रे। पलकों में सपने सजने लगे, अरमान मेरे उड़ने लगे। दिल बहकने लगा मेरा, पीछे तेरे चलने लगा। तेरी ये सादगी में दिल जा सब मेरा खोने लगा। तुम हो मेरी दे दीजिए। थैंक यू। कानम, 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 ये क्या है? उसका नाम, लेकिन मेरे लिए काजल। अधूरी लगे है ये दुनिया तेरे बिन यारा। है मुश्किल तेरे बिन जहां मैं अब तो गुजारा है। जब से तुमको तब से मुझको लगे तुम अपने। तेरे ही जागते सोते अब दिल देखे हर पल सपने। आगे साथ तक रहा तेरी कटा बीक दिल मेरा। तू रख दे मुझे। तुम हो मेरी दिल कहे, तुम हो मेरी दिल कहे, तुम हो मेरी दिल कहे, मेरी जल कहे।
जादू चल गया। Checkpoint 14 calling. Emergency. Fence break. Over. Sir. क्या हुआ यहाँ पे? मेमना फेंसिंग क्रॉस कर रहा था, सामने वाले ने गोली मार दी सर। तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? यही तरीका ड्यूटी करने का? इस बच्चे को तुम ही बचा सकते थे। मेमना था सर, सोचा वो नहीं मारेंगे। देखो उन्हें इंसान और जानवर में कोई फर्क नजर नहीं आता है, वो हर किसी को गोली से मारना चाहते हैं, उनके मन में किसी के लिए दया भावना नहीं होती है। बी केयरफुल। यस सर। पिकअप 89, डैमेज्ड फेंस, इन्फॉर्म नागराज इमीडिएटली। अरे नागराज चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी मैं वासु, आपका भतीजा। मेरा कोई नहीं है। ये क्या चाचा जी, बरसों बाद हम लोग मिल रहे हैं और आपके चेहरे पे उदासी है। हाँ है तो क्या करूँ मैं, तुम्हें गले लगाकर मैं चूमा चाटी करूँ क्या? तेरे बाप ने मेरे साथ धोखा किया है और बोला है कि कभी दोबारा मुंह मत दिखाना, इसीलिए मैं तुम सबसे अपना मुँह छुपा कर तुम सबसे दूर यहाँ कश्मीर में सुकड़ सुकड़ के जी रहा हूँ। बात करता है। रुकिए, मैंने यही कहा था ना कि मुझे देख कर भी आप इतने उदास क्यों हैं? गुनाह किया? आप इतने भड़क क्यों रहे? हाँ तो भड़कूंगा, क्या करोगे, हटो। भैया ने सही कहा था कि चाचा जी जब तुम्हें देखेंगे तो पहले भड़क जाएंगे, लेकिन दो मिनट बाद आकर गले से लग जाएंगे और बिलक बिलक कर रोएंगे। लेकिन आप तो मेरे वो चाचा दिख ही नहीं रहे। मेरे चाचा यहाँ है यही सोचकर मैं यहाँ आया था, पर मेरी सारी खुशियाँ आपने मिट्टी में मिला दी। मैं गलत था, बिल्कुल गलत था। ए, सुन, इधर आ बेटा, इधर आ। भैया ने जैसा कहा था आप वैसे ही चाचा हैं। है? अच्छा। देख बेटा, काम के समय में भी तेरा चाचा नशे में रहता है ऐसा मत सोचना। मेरा काम ही कुछ ऐसा है, बॉर्डर के फेंसिंग के पास जाता हूँ तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं टेंशन से, रत्ती भर भी अगर पैर उधर चला गया ना तो गए काम से। इसीलिए हिम्मत जुटाने के लिए थोड़ी सी ले लेता हूँ। ये मत सोचना कि तुम्हारा ये चाचा जंग के डर से पीता है। ऐसे क्यों देख रहा है? अरे एक बार पुराने सेक्टर में फेंसिंग ठीक करने एक जवान गया था, फिर बेचारा लौट कर ही नहीं आया। पता है क्यों? उसके हाथ से कटिंग मशीन छूट करके उस तरफ गिर गई थी, गोली मार दिया। अरे इतनी क्रूरता होती है बॉर्डर पे बेटा, जरा सी चूक हुई कि लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। पाकिस्तान पे कभी भरोसा मत करना। अच्छा बेटा, तुम्हारा पोस्ट कौन सा है? फ्रंटियर फोर्थ, बारामूला। ठीक है ठीक है, कभी फ्री होके आके मिलता हूँ, संभल के रहना। जवान। यस सर। कल हम लोग जो ऑपरेशन करने जा रहे हैं उसका नाम है स्नेक बाइट। ये एक ट्रेनिंग है। गांव में आतंकवादी घुस के जब लोगों को अपने कब्जे में कर लेते हैं तो उन्हें नाकाम करने के लिए किस तरह हमें उन पे अटैक करना है, कल यही आपको सिखाया जाएगा। कल का ऑपरेशन सलामाबाद में किया जाएगा एसआई की देखरेख में। स्टार्ट कीजिए। कल मेरे चुने हुए चार जवान टेररिस्ट के रूप में गाँव के किसी एक घर में घुसेंगे। नासिर। यस सर। वासु। यस सर। विशाल रेड्डी। यस सर। जो जो थॉमस। यस सर। ऑल जवान्स रेडी। यस सर। मिस्टर मोहम्मद मलिक, कल सुबह इन सभी जवानों को अपने घर में रिसीव कर लीजिएगा।
ओके। वासु, ए वासु, कानम, ए कानम, हाँ, अरे जल्दी इधर आ, आ रही हूँ, जल्दी आ जल्दी, जानती है हमारे गांव में टेररिस्ट घुस आए हैं, ये क्या कह रही है? सच कह रही हूँ, मिलिट्री वाले भी आए हुए हैं, तो सच बोल रही है? हाँ, ए, क्या हुआ? कोई दरवाजा खटखटा रहा है। रुक, मैं आती हूँ वहाँ। जल्दी आ, जल्दी आ। कहाँ है, कहाँ है? उधर, उधर है। ठीक है, तू उस तरफ जा। हाँ। इधर कोई नहीं है। देख। अरे जल्दी आ, जल्दी आ। वो यहीं पर है। हाँ हाँ, छोड़ना मत, छोड़ना मत। उसके पैर पकड़। हाँ। वेरी गुड गर्ल, या गुड, ऐसा ही होना चाहिए। अगर घर में कोई अनजान घुसा है तो उसे ऐसा ही पकड़ना चाहिए। लेकिन ये कोई टेररिस्ट नहीं है, हमारे बीएसएफ के जवान हैं। ये हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अरे तुम एक जवान हो, मैंने तुमसे क्या कहा और तुमने क्या किया? अपना मास्क उतारो। Idiot. Come on, guys. जवान जी, बोलिए। मेरे पिताजी, हाँ, यानी कि तुम्हारे दादाजी, हाँ, दो दो बीवियां थी उनकी। हाँ, दूसरी बीवी से दो बच्चे हुए थे, एक तुम्हारे पिताजी और दूसरे तुम्हारे बड़े पापा। ये मैं जानता हूँ चाचा जी। जब मैं पैदा हुआ था तो पिताजी की दौलत में मैं हिस्सा मांग लूंगा इस डर से मेरी बेइज्जती करके बेरहमी से धक्का मार कर बाहर निकाल दिया। हाँ, हाँ बेटा, जब मैं छोटा था तो मीठा जल बहुत पसंद करता था। वो क्या होता है? अरे वही नींबू जूस, संतरा जूस और सोडा। उस समय केले का मिलता था। हाँ। घर के पास वाली मंदिर की दुकान से हमेशा वहीं से लेकर पीता था। 500 रुपए उधार हो गए थे। हाँ। चुका नहीं पाया तो दुकानदार ने मुझे दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। ये बात पता नहीं कैसे तुम्हारे पापा तक पहुँच गयी। उन्होंने मुझे बुलाया, बोला उधार मैं चुका दूंगा, बस तुम इस पेपर पर साइन कर दो। पता है उस पे तुम्हारे पिताजी ने क्या लिखा था? इस घर पे मेरा कोई अधिकार नहीं होगा। बच्चा समझकर मुझसे साइन करा लिया और सब कुछ मेरे हाथ से चला गया। उस समय वो 500 रुपए मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं थे। मैंने साइन कर लिया। ये बात पता नहीं कैसे गांव वालों को पता चल गई और लोग मुझे ताने मारने लगे कि सिर्फ 500 रुपए के लिए मैंने अपनी जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ दी। लोगों ने मुझे धक्के मारकर गाँव से बाहर निकाल दिया। किस मुँह से गाँव में जाऊँ मैं? अब बस कीजिए चाचा जी, वरना दिमाग की सारी नसें फट जाएंगी। ए, मैंने अभी पी कहा है। आधी बोतल डकार चुके हैं आप। अरे बाप रे, क्या हुआ? मेरी कमर की डोर कहीं गुम हो गई। कमर की डोर गुम हो गई? ये कैसा शोर है? आज सुबह यहाँ जो ऑपरेशन हुआ था उस समय इसकी कमर की डोर गुम हो गई है। वो यहीं कहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे शक है। अरे भाई, उस धागे में ऐसी कौन सी बात है? किसी को मिली क्या? सुनो, वो मेरी माँ की निशानी है। यस, जान से भी प्यारी है। वो नहीं मिली तो मैं सो नहीं पाऊंगा। हमारे देश में बहुत सारी चीजें हैं जिसमें से तीन मुख्य हैं। पहली है कमर की डोर, दूसरी मंगलसूत्र, और तीसरी है पायल। कान खोल कर सुन लो, अगर कमर की डोर किसी को मिली है तो चुपचाप लौटा दो।
अगर किसी ने छुपाने की कोशिश की तो वो खून की उल्टी करके मरेगा, इतनी पावर है उसके अंदर। अब देखो कैसे मिलती है। इधर इधर क्या है? जरूर आ जाएगी चाचा जी, मुझे पूरा। अरे यार किसी तरह ये उसे दे दे, तू ही दे दे, मैं खून की उल्टी करके मरना नहीं। ए चाचा जी इधर आइए, मुझे पता था। वो मेरी सहेली बहुत शरीफ है, उसे जानबूझकर नहीं लिया था। हाँ पता है पता है। हाँ बोलिए। देखिए मेरी सहेली को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। नहीं होगा? होगा। वो ना समझ है इस नादानी के प्रायश्चित के लिए उसे क्या करना होगा, आप बताइए मैं उसे बता दूंगी। प्रायश्चित तो करना होगा लेकिन वो लड़की नहीं कर सकती, तो मैं करना होगा। मुझे क्या करना होगा मुझे? तो ये लो, ये तुम मेरी कमर से बांधोगी। नहीं नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। नहीं मेरे बच्चे, तू घोड़े को बांधने की बात कर रहा है क्या? वो बात की बात है, अभी तो इसे बांधने दो। बांधो बांधो, तो तुम्हारी सहेली नहीं बचेगी। अरे नहीं प्लीज बांधे, बांधे ना यार। चलो बांधती हूँ। अरे रहने देना, मेरी सहेली को कुछ नहीं होना चाहिए। रहने दो, कोई बात नहीं, मैंने मजाक किया था, तुम्हारी सहेली को कुछ नहीं होगा, जाओ। माँ। बेटा तू कैसा है? बेटा माँ तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। अच्छा ये बता तुम्हारे सारे दोस्त कैसे हैं? हाँ सब ठीक है माँ। और तुम्हारे वो ऑफिसर ठीक है ना? हाँ ड्राइवर, क्लीनर, सिक्योरिटी, झाड़ू वाला, माली, सब अच्छे हैं माँ। अब फोन रखूँ? इतनी जल्दी क्या है बेटा, अपनी माँ से थोड़ी देर बात नहीं कर सकता? तुम्हारे फोन का मुझे इंतजार रहता है। हाँ ठीक है बोलो। बेटा यूनिफॉर्म में अपनी एक फोटो भिजवा दे, कितनी बार बोला है? यूनिफॉर्म में फोटो खिंचवा कर भेजूँ? यहाँ पर सब लोग पूछते हैं बेटा, सबको तुझे देखना है, खासकर मुत्तु स्वामी को याद रखना, भूलना मत। क्या हुआ छोटे? क्या बात है बेटा? ड्यूटी टाइम पे यहाँ लेटा हुआ आसमान की तरफ ताक रहा है, क्यों माँ की याद आ रही है क्या? हाँ बिल्कुल, मम्मी की याद सता रही है, हर दो दिन में फोन करके कहती है कि फोटो भेजो अपना। फोटो ही मांग रही है ना, तो फिर खिंचवा के भेज देना उसे। हाँ? फोटो भेजू? अरे तू ऐसे बात क्यों कर रहा है जैसे अभी तू मुझे गोली मार देगा। तो फिर क्या करूँ मैं, ढोल बजाऊँ, बाजार में नाचूँ? अरे तू इतना चिड़ क्यों रहा है? आप नहीं जानते, वो वहाँ लड़की वालों को दिखाने के लिए मेरा फोटो मंगा रही है, मैं अपनी जगह उस लड़की का फोटो भेज दूँ जिसे मैं चाहता हूँ। हे तेरी माँ को बुलेट का शौक लगे ना लगे, तेरे बाप को बॉम्ब का शौक जरूर लगेगा। जो भी हो, तो अब एक काम कीजिए चाचा जी, कहीं से भी एक अच्छे से फोटोग्राफर को वहाँ ले जाइए जहाँ वो मिली थी। कौन, वो कश्मीरी लड़की है क्या? यस। रहने दे बेटा, वो एरिया अनजान एरिया है, इतनी आसानी से किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं बड़ों के साथ बैठकर कभी नहीं पीनी चाहिए, एक गिलास अंदर गया और एडवाइस देनी शुरू कर दी। नहीं बेटा उन लोगों के साथ तेरी जमेगी नहीं। नहीं चाचा जी, वही लड़की तो मेरी जिंदगी है, आप समझते क्यों नहीं? लेकिन अब आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, शाम को एक फोटोग्राफर को लेकर सीधे वहाँ पहुँच जाइए, ठीक है? कश्मीरी ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही है चाचा जी, मेकअप कुछ ज्यादा कर लिया है बेटा। ठीक है ठीक है, जा जा। फोटोग्राफर कहाँ है? है, ए इधर आ। ये फोटोग्राफर है? यही तो फोटोग्राफर है। ए कैमरा निकालो, हमारी फोटो खींचो। देखा कितना बढ़िया चमकाता है। जाओ फोटो खींचवा। ये मुझे दीजिए। मेरे पीछे आओ।
क्या बात है जवान सर, आप आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं, ऐसे क्या देख रहे हैं? हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे आपसे कुछ पूछना था इसलिए मैं यहाँ आया। पूछना था? हाँ। क्या? वो मुझे आपसे। हाँ मुझसे क्या? बस आपसे बात करनी थी मुझे। ओ हाँ। बोलिए। हाँ। हाँ, मेरा नाम वासु है। वासु? हाँ। मेरा नाम कानम, मुझे पता है। मेरे लिए आप काजल है। हाँ, कल आपने बहुत बढ़िया डांस किया था। हाँ? हाँ, आप बहुत ऊंचे लेवल की डांसर हैं। हाँ, लगता कुछ ज्यादा ही बोल। वैसे आप भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। हाँ? बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। बेटा वासु, हंसी तो फंसी, ये मौका मिस मत करना। क्या मिस मत करना? वो बस ऐसे कह दिया। मौसम बहुत सुहाना है ना, आज जब मैं आया था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, लगता था यहाँ से भाग जाऊँ, फिर सोचता था रुक जाऊँ, बहुत ही कंफ्यूज था, फैसला नहीं कर पा रहा था, आखिर फैसला कर लिया, मैं रुक गया। इतने कंफ्यूजन में क्यों रहते हैं? पसंद नहीं आ रहा तो आप अपने गाँव क्यों नहीं चले जाते? इंसान को हमेशा उसका दिल और दिमाग जो कहता है उसे वही करना चाहिए, तभी उसे खुशी मिलती है। अपना मन मार के एडजस्ट करके जिंदगी गुजारने लगे तो उसे कभी खुशी नहीं मिल पाएगी। हेलो, मैं यहाँ अपने मन को मार के नहीं जीऊंगा, खुशी खुशी जीऊंगा। बहुत खुशी खुशी। हाँ, ऐसी कौन सी खुशी मिल गई? अब इसे कैसे समझाऊं? अब तुम जो मुझे मिल गई हो। आप क्या बड़बड़ा रहे हैं? कहना तुझे चाहूं, आंखों में तेरी रहना हमें चाहूं, तरहा यही सोचूं, खुशबू में तेरी पहना हमें चाहूं, तू है साहिल दिल की हर ख्वाहिशों में, उम्मीदों में तू,
मौसम बहुत सुहाना है ना। रहना हमें जाना जरूरी है। हाँ। काजल हाँ? थोड़ी देर और यहीं रुक जाओ ना। थोड़ी देर का मतलब कितनी देर? अब दिन भर नहीं पूरा साल। तुम मेरे पास रुक जाओ जिंदगी भर के लिए। हाँ, एक मिनट आ रहा हूँ। सुन, तू जाके सीधा उससे बात करना, वही सबसे अच्छा तरीका है। पहले जाकर उसे प्यार से समझा, अगर वो नहीं मानती है ना तो उसे उठा लाएंगे। मुझ पे भरोसा रख, ले आएंगे ना। किसको यार? अरे यार, तुझे कितनी बार समझाऊं मैं। हीरो की जो प्रेमिका है ना, वो उसके चंगुल से निकल गई और उसकी मैरिज पाव भाजी वाले से फिक्स हो गई। ये तो सही बोला तूने। हम एक काम करेंगे, उस पाव भाजी वाले को ही उठा लेंगे, फिर काजल का कंफ्यूजन क्लियर, तब तेरा लव कंफर्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बहुत ही बेकार सोचते हो तुम लोग। ए, तुझे क्या लगता है कोई तेरे सामने आके हाथ पैर जोड़ेगा और प्यार से बोलेगा कि दामाद जी मेरी बेटी को ले जाइए? बेवकूफ। और कितने दिनों तक हम इस तरह से खामोश बैठे रहेंगे? वो एक एक करके हमारा सर काटता जा रहा है। अब हम और खामोश नहीं रह सकते। ऊपर से आने वाले किसी ऑर्डर का इंतजार नहीं करेंगे। हमें ही अब कुछ न कुछ करना होगा। एक इंडियन सिर के बदले पाकिस्तान के 10 सिर कटने चाहिए, तभी उन्हें पता चलेगा कि हम क्या हैं। बॉर्डर के किसी भी पाकिस्तानी को हम नहीं छोड़ेंगे। हमें अपनी वीरता दिखानी होगी। आज के बाद वो इंडिया की तरफ आंख उठाकर भी देखें इस लायक भी नहीं बचेंगे। जम्मू कश्मीर के बारामूला इलाके में भारतीय जवानों के सर कौन काट रहा है? आज इंडियन आर्मी ने इसका पता लगा लिया है। भारतीय जवानों ने ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए पूरी तैयारी के साथ घेराबंदी की है। भारतीय जनता इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सड़कों पर उतर आई है और वो पूरी तरह से इंडियन आर्मी का साथ दे रही है। पाकिस्तान संभल जाओ का नारा लगाते हुए जगह जगह मोर्चा निकाला जा रहा है। देश के रक्षा मंत्री जवान्स, आप लोग ऐसी सिचुएशन कई बार फेस कर चुके हैं। कर्फ्यू के वक्त एंटी सोशल एलिमेंट्स बाहर निकल कर आते हैं और ऐसे मौके पर हमें बहुत ही एक्टिव और सतर्क रहना पड़ता है। पब्लिक को बचाना हमारी मेन ड्यूटी है और उन्हें सेव करते हुए दुश्मन का सामना करना भी हमारी ड्यूटी है। हमारा फर्ज सिर्फ बॉर्डर पर युद्ध लड़ना ही नहीं है, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। आर यू रेडी? यस सर। लेट्स मूव। Vasu, sir, what happened? हालात खराब होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के रहवासियों को आसपास के इलाकों से निकाला जा रहा है। दो देश की राजनीति की लड़ाई में आम जनता पिस रही है। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है।
दहशत के माहौल से हर कोई अपना घर बार छोड़कर दूसरे इलाके में पलायन कर रहा है। पूरे इलाके में अफवाह को फैलने से रोकने के लिए प्रशासन हर संभव प्रयास कर रही है। स्थिति अभी भी चिंताजनक है। Troops have fired on Kashmir protesters, killing a teenage student. It comes on the second day of violent clashes in the disputed Himalayan region. Now, according to police, a boy was killed when security forces... शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। मेरे पापा यहाँ इंडिया में शॉल का बिजनेस करते हैं और मैं भी बिजनेस के लिए यहाँ पर आई थी। और तुम पढ़ाई के लिए यहाँ आई थी? नहीं, मैं अपने दादा से मिलने आई थी। मेरी दादी पाकिस्तान में है। मेरी दादी पहले मेरे दादा के पास ही रहती थी। दोनों देश की लड़ाई की वजह से परेशान होकर दादी ने दादा से कहा कि आप इंडिया छोड़कर पाकिस्तान में आकर सेटल हो जाइए, लेकिन दादा के लिए ये बिल्कुल मुमकिन नहीं था। उन्होंने मना कर दिया। फिर मेरे मम्मी पापा के साथ मेरी दादी मुझे पाकिस्तान ले गई और दादा यहीं रह गए। पहली बार जब दादी गई थी तब मेरे पापा सिर्फ 12 साल के थे। हमारे यहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर ही मेरे दादाजी रहते हैं, इसलिए जब पापा से पूछा मैंने तो उन्होंने खुशी खुशी मेरा वीजा तैयार करवा दिया और दादाजी से मिलने के लिए भेज दिया। मैं जब यहाँ आकर अपने दादाजी से मिली तो मुझे वाकई बहुत खुशी हुई, लेकिन वो खुशी देर तक नहीं रही। रुको रुको, क्या कर रहे हो? ये क्या तमाशा लगा रखा है? हो क्या रहा है? अपनी पोती को पाकिस्तान भेजकर तुम यहाँ क्यों रुके हो? तुम्हें भी पाकिस्तान चले जाना चाहिए। तुम्हारा देश पाकिस्तान है, इंडिया नहीं है। वापस जाओ। मैं क्यों जाऊँ? किस लिए जाऊँ मैं? ये मेरा गाँव है, ये मेरी मिट्टी है। मेरे पूर्वज इसी मिट्टी में पैदा हुए और यहीं दफन भी। मैं तो यहाँ से कभी नहीं जाने वाला। बरसों से तकलीफें झेल रहा हूँ, फिर भी मैं अपनी हिंदुस्तानी मिट्टी को छोड़कर नहीं जाने वाला। मुझे इस देश की मिट्टी से प्यार है और हर हिंदुस्तानी को
मैं अपना भाई बहन समझता हूँ। भारत का हर एक बच्चा मेरा अपना बच्चा है। किसी पेड़ को उखाड़ के दूसरी जगह लगाओगे तो पनप पाएगा वो। 50 बरस से ज्यादा बीत गए हैं लेकिन ये मसला आज भी ज्यों का त्यों है। इतने बरसों के बाद मेरी पोती मिलने आई थी, उससे मिलकर बहुत खुश हुआ, लेकिन अफसोस मेरी खुशी ज्यादा दिन नहीं रह पाई। उसे मजबूर होकर यहाँ से जाना पड़ा। अब वो यहाँ नहीं आ पाएगी और आई तो मेरा नसीब पता नहीं तब तक जिंदा रहूं या ना रहूं। दोबारा मैं मेरे अपनों से कब मिल पाऊंगा? कोई भी पाकिस्तानी जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। अगर कोई मिलता है तो उसकी गर्दन उड़ा दो, छोड़ना मत। सिचुएशन बहुत खराब है, घर में घुस घुस कर मार रहे हैं। एम्बेसी में मेरा फ्रेंड है, मैं उससे बात करता हूँ। सिचुएशन नॉर्मल होने तक एम्बेसी बंद रहेगी ऐसा उसने कहा था। तब तक समझदारी से कदम उठाते हुए हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। किसी बड़े ऑफिसर से बात करके भिजवा सकते हैं। मुश्किल है, पासपोर्ट वीजा या किसी प्रूफ के बिना अगर हम पुलिस के पास जाएंगे तो ये मैटर नॉन अवेलेबल होकर के और भी पेचीदा हो जाएगा, समझे? ये बेचारी फंस जाएगी। तो फिर अब क्या करें चाचा जी? आप लोग प्लीज इतनी टेंशन मत लीजिए, किसी भी तरह मैं अपने गांव वापस पहुंच जाऊंगी। यहां से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर ही बॉर्डर है, वो किसी तरह क्रॉस कर लूंगी। फिर वहां से 16 किलोमीटर दूर ही मेरा घर है, बस LOC तक आप मेरी हेल्प कर दीजिए। बॉर्डर एरिया पे सिक्योरिटी बहुत टाइट है, तुम कैसे क्रॉस कर पाओगी? यहां डर डर के जीने से बेहतर है किसी तरह मैं छुपते छुपाते बॉर्डर क्रॉस करके निकल जाऊं। मैं 20 किलोमीटर पैदल चल लूंगी। बॉर्डर क्रॉस करना इतना आसान नहीं है, तुम समझती क्यों नहीं हो?
मुझे अपने गांव वापस जाना है, प्लीज। ए, इधर आ। बासु, वो लड़की बेचारी वाकई यहाँ नहीं जी पाएगी। हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए, फिर भी तुमसे कह रहा हूँ, यहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे डेथ पॉइंट चौकी है, वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं रहती। अगर तुम इस लड़की को किसी तरह वहाँ ले जाओ और चुपचाप बॉर्डर क्रॉस करा दो तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी, बेचारी अपने घर पहुँच जाएगी। क्यों? ठीक है चाचा जी। ए, तूने एक पाकिस्तानी लड़की से प्यार किया, ये अपने आप में एक रिस्क है। अगर तू उसे बॉर्डर तक छोड़ने गया तो और मुसीबत हो जाएगी। मैंने पाकिस्तानी लड़की से प्यार नहीं किया, जिससे प्यार किया वो पाकिस्तानी है। जाओ वासु, मैं यहाँ से अकेली चली जाऊंगी। नहीं, मैं चलूंगा। तुम जाओ वासु, मैं नहीं चाहती तुम पर कोई मुसीबत आए। मैं चली जाऊंगी वासु। देखो, इस समय 7 बजे, मैं 8 बजे तक वापस आ जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा दिलो दिमाग कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ चलूं, इसलिए आ रहा हूँ। ठीक है, Oh,
यहाँ से तुम्हारे गांव कितनी दूर है? सिर्फ 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर? चलो हम दोनों रेस लगाते हैं। हाँ? हाँ, हम जल्दी पहुँच जाएंगे। चलो। हाँ, रेडी, 1, 2, 3। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। जानते हो, तुमसे आगे आगे चलने की मेरी एक बहुत बड़ी वजह है, ताकि तुम आगे चलकर रास्ता भटककर किसी गड्ढे में गिर ना जाओ। क्या हुआ? अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इतनी हिम्मत वाली हो, तो तुम्हें पहले से ही अपने पास रखता और ट्यूशन लेता। 3000 किलोमीटर दूर आकर एक लड़की से प्यार करने की हिम्मत तुम में है, तो मुझ में हिम्मत नहीं हो सकती क्या? के ऑपोजिट जो घर दिख रहा है ना, वही मेरा घर है। ठीक है, तुम जाओ। अब यहां से आगे मेरी जरूरत नहीं रही। सुधरने के बाद मैं जरूर तुम्हारे पास आऊंगी। मेरे घर तक चलो ना वासु, तुम्हें मम्मी पापा से मिलवाना है।
मेरी माँ और इसकी दादी हमेशा इंडिया के बारे में बातें करती थी। मेरे जेठ, मेरी ननद सब बातें करते थे। यहाँ कदम रखने वाले तुम पहले इंडियन हो बेटा। हमारी माँ अक्सर कहा करती थी कि इंडियन सचमुच बड़े दिल वाले होते हैं और यहाँ हम सब के दिलों में हिंदुस्तानियों के लिए बहुत इज्जत है। दोनों देशों के सियासतदानों ने हम सब के दिलों में दूरियां पैदा कर दी। पहाड़ी के उस पार जैसे वहाँ के लोग मारे जा रहे हैं, ठीक वैसे ही यहाँ भी मारे जा रहे हैं, जो बिल्कुल गलत हो रहा है। एलओसी में फेंसिंग होने के बावजूद दोनों देशों के लोग एक दूसरे को अभी भी उसी तरह दुश्मनी की निगाहों से देखते हैं। बेटा, हमारी बेटी हमारे पास सही सलामत पहुंच गई, हमें बहुत खुशी है। इसी तरह तुम भी अपने माता पिता के पास सही सलामत पहुंच जाओ, यही हमारी दुआ है। अब मुझे इजाजत दीजिए, सुबह होने से पहले मुझे एलओसी क्रॉस करनी है। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, कहीं तुम रास्ता ना भटक जाओ। रहने दीजिए, मैं चला जाऊंगा, रास्ता मैंने देख लिया है। बेटा, हालात सुधरते ही मैं इंडिया आऊंगी। मुझे तुम्हारी माँ से मिलना है। तुम्हारे जैसे होनहार और हिम्मत वाले लड़के के परिवार से मिलकर मुझे बहुत खुशी होगी। जिस दिन आप इंडिया आएंगी, उस दिन मैं अपनी माँ से आपको जरूर मिलवाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। अब मैं चलता हूँ, नमस्ते। अपने लिए नहीं, माँ को दिखाना। क्यों, तुम्हें नहीं चाहिए ये? मुझे भी चाहिए। तुम्हें चाहिए या माँ को चाहिए, सच बताओ। मैंने कहा ना, मुझे भी चाहिए। Oh,
तेरी बेटी के लिए मैंने एक पाकिस्तानी लड़का देख रखा है, एक महीने के अंदर तेरे पास इन्विटेशन पहुंच जाएगा। उस मैरिज इनविटेशन का क्या हुआ? बता क्या हुआ? तेरी बेटी को पाकिस्तानी लड़का पसंद नहीं आया? नहीं, उसे पसंद नहीं है। अब मेरी बेटी जिंदगी भर किसी से शादी नहीं करेगी। ओ, तुम्हारी बेटी शादी नहीं करना चाहती? तू ये मत भूल, तू एक पाकिस्तानी गवर्नमेंट सर्वेंट है, तुझे हमारा कानून मानना होगा, तुझे यहाँ की सरकार का पैसा चाहिए, पर तुझे यहाँ का लड़का पसंद नहीं, इंडियन लड़का चाहिए तुम्हारी बेटी को। जा, अपनी बेटी को समझा दे, जा, चलो। हमारे ऊपर यहाँ जो अत्याचार हो रहा है वो हमारी गवर्नमेंट को पता है कि नहीं? कैसे पता चलेगा? आज तक यहाँ की जेलों से कोई जिंदा लौट पाया है क्या? सुनने में आया है कि मेरी मौत आ चुकी है, इसलिए मैं तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो लोग मुझे मारे, इससे बेहतर है कि तुम लोग खुद मुझे मार दो, मैं दुश्मन के हाथों नहीं मरना चाहता। वो जब मुझे उठाने आएंगे तो तुम सब लोग मिलके एक साथ मेरे ऊपर हमला बोल देना। मेरी मौत हर किसी के लिए एक उदाहरण बननी चाहिए, यहाँ के लोगों के लिए तो एक ललकार होगी, हमारे लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। तूने उस लड़की से प्यार अपनी मर्जी से किया है, इंडिया के लोगों ने तुझसे क्या क्या आस लगा रखी होगी ये तो तुझे पता ही है ना, लेकिन तेरा सपना है कि तू भले ही अपने परिवार या देशवासियों से ना मिले, लेकिन अपने प्यार से जरूर मिले, सही है ना? यहाँ हम देशवासियों से मिलने के लिए तड़प रहे हैं, और उसके लिए हम सभी कैदी यहाँ से भागने की कोशिश में लगे रहते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनका सबका अपना अपना मकसद है, लेकिन एक मकसद सबका है, वो है अपने देश के लिए और अपनों के लिए मर मिटना। लेकिन तुम्हारा मकसद, तुम्हारा प्यार, उस चक्कर में तुम यहां आकर फंस गए और अब मारे जाओगे। छी, बीएसएफ के जवान हो। क्यों, बीएसएफ वाले प्यार नहीं कर सकते? वो सिर्फ बॉर्डर पर लड़ने के लिए ही बने हैं। हाँ, मैंने उस लड़की से प्यार किया, गुनाह किया। लगता है तुम भूल रहे हो कि सरकार अपने खर्चे से तुम्हें 38 हफ्ते की ट्रेनिंग देती है और साथ में पगार भी देती है फुल फैसिलिटी के साथ, याद है कि भूल गए? इन सब के बावजूद तू एक पाकिस्तानी लड़की के प्यार में इस तरह से डूब गया कि अपना देश और अपनों को भूल गया। जो कुछ होना था वो हो गया, हम दोनों यहाँ सिर्फ कैदी हैं, तुम और मैं एक जैसे हैं, मतलब यहाँ की गवर्नमेंट की नजर में हम दोनों एक समान हैं। क्या कहा तूने, तू और मैं एक समान है? मैं अपने देश में रहूं या यहां रहूं, लेकिन तू जैसा पागल नहीं, चाहे जो कुछ हो जाए मेरे साथ यहां से तो मैं भाग कर ही रहूंगा। यहाँ जो हम हिंदुस्तानियों पर भयंकर अत्याचार किए जा रहे हैं, हम सभी पर जो जुल्म हो रहा है, यहाँ की सारी बातें मैं इंडियन गवर्नमेंट को बताऊंगा, लेकिन यहां से भागने से पहले तुझे तो मैं जरूर खत्म करूंगा।
जिससे तुझ जैसा बुजदिल और मजनू कभी भी हमारी फौज में आने की ना सोचे। जिंदा है मेरा मकसद पूरा नहीं हो सकता। ये तो तुम लोग जानते ही होगे ना कि आज किसका सर जाने वाला है। किसी की मौत का फैसला सिर्फ मैं करता हूं। अब तेरी बारी है। Thank you.
तेरे सामने कोई भी आ जाए जीतेगा तू ही, मुझे पहले से ही पता था। इसलिए अगर तू यहां से निकलना चाहता है तो तुझे उसे मारने का फैसला करना होगा। मेरी 12 साल की बेटी को नई जिंदगी इंडिया में ही मिली। यहाँ के डॉक्टर्स ने लाख कोशिशें की पर वो फिर भी कुछ नहीं कर पाए। आखिर में इंडिया के डॉक्टर्स ने उसके हार्ट का ऑपरेशन करके उसे एक इंडियन हार्ट लगा दिया और नई जिंदगी दी। तभी मैंने फैसला कर लिया था कि किसी इंडियन की जान बचाने के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो किसी हालत में एलओसी के पार नहीं जाना चाहिए। जहां भी दिखे उसे वही भूंदो और सिर काट के एलओसी के पार फेंक दो। जब तक वो जिंदा है मुझे सुकून नहीं मिलेगा। और वो लड़की गद्दार है, उसे कितना समझाया पर वो नहीं मानी। किल हर। क्या हुआ? उसका बाप सामने आकर खड़ा हो गया सर। अगर उसे कोई बचाने सामने आए तो उसे भी खत्म कर दो। ओके सर। Papa!
बेटी तू यहाँ से चली जा, तेरे लिए तेरा परिवार शहीद हो गया। बेटी तेरे माँ बाप तेरी शादी इस लड़के से करवाना चाहते थे, उनकी वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई और उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो इसका हाथ थाम ले बेटी, खुदा के वास्ते तू यहाँ से चली जा, तेरे परिवार को अल्लाह जन्नत नसीब करे। अल्लाह के वास्ते तू यहाँ से चली जा बेटी, चली जा बेटी, चली जा। काजल, हम मरने की नहीं बचने की कोशिश कर रहे हैं, हम दोनों को एक साथ जीना है। मुझे मर जाने दो वासु। मरने का नहीं, जीने का हौसला रखो। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे नहीं जीना है वासु। तुम्हारे परिवार को यकीन था तुम्हें मेरे साथ कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम हमेशा खुश रहोगी। उनका यकीन टूटेगा नहीं, चाहे जो हो जाए। वो हमारी वजह से शहीद हुए हैं, उनकी शहादत को जाया नहीं होने दूंगा। मेरे साथ इतना जुल्म हुआ है, फिर भी मैंने जीने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। मेरे माँ बाप भी मुझे देखने के लिए कितने तड़प रहे होंगे। हमें हौसला नहीं तोड़ना है काजल। अगर हम दोनों ऐसे ही मर गए तो पता है क्या होगा, वो 32 कैदी भी मारे जाएंगे। हम कैसे बचेंगे? कैसे बचेंगे ये मत सोचो काजल, यहाँ से बचकर निकलेंगे। तुम ये हौसला रखो, यहाँ से बॉर्डर सिर्फ 8 किलोमीटर बचा है। मैं फिर कह रहा हूं, मौत से ज्यादा जिंदगी का हौसला रखो। हम जिएंगे और साथ में जिएंगे। आओ
सर बोलो। हम लोग फॉरेस्ट के अंदर एंटर हो चुके हैं और सब तरफ सर्च कर रहे हैं। वो बॉर्डर की तरफ गया होगा और वो अकेला नहीं है, साथ में वो लड़की भी है। किसी भी सूरत में वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। यस सर। काजल, 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 जनाब मैं अल्ताफ मलिक बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। वो लड़की हमारे कब्जे में है। मलिक जल्दी लाइन पर आओ। मलिक मलिक रिप्लाई करो। मलिक मलिक रिसीव कर रहे हो। मलिक क्या है? डोंट शूट। आ जा इंडियन बीएसएफ वाले, पाकिस्तान में इंडियन आया, आ जा बड़ आगे, आ मेरे पास। बढ़िया। Yeah.
पाकिस्तानियों से लड़ने की लोग सोचते भी नहीं हैं। हमसे लड़ना मौत से लड़ना है, और मैं हूँ तुम्हारी मौत। आ लड़ मुझसे, कम ऑन। जब तक कश्मीर पाकिस्तान को नहीं मिल जाता, मैं चैन से नहीं रहने दूंगा। जब तक मेरे जैसे वीर जवान जिंदा है, तुझे भारत से दिन का भी नहीं मिलेगा। चाहूं तो इसी वक्त तुझे मार सकता हूं, लेकिन मुझे तेरी जान नहीं चाहिए। मुझे इंडिया जाना है, और अगर अब तू मेरे रास्ते में आया तो मैं तेरी लाश पर से गुजरूंगा। मुझे जिंदा छोड़कर गए तो भी तुम इंडियंस को यहां पाकिस्तान में कोई भी रहम दिल नहीं समझेगा। स्टिल आई हेट इंडियंस। इतनी नफरत क्यों तुम्हें हम इंडियंस से? हम पाकिस्तानियों को सुकून तब मिलेगा जब इंडिया खत्म हो जाएगा। तुम जैसे मरेंगे तब जाकर तुम्हारे देश को सुकून मिलेगा। दुनिया का कोई भी देश कभी नहीं चाहता कि वो अपने पड़ोसी से दुश्मनी करे। आज अगर इंडिया पाकिस्तान, इजराइल पैलेस्टीन, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया दुश्मन बनकर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो उसकी वजह सिर्फ तुम जैसे लोग हैं। अपना स्वार्थ छोड़कर, देश हित में सोचकर, आपसी दुश्मनी भूलकर एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। पड़ोसी देश को दुश्मन समझकर अपनी जान गंवाने वाला देशभक्त नहीं होता। वैसे सारे पाकिस्तानी तुझ जैसे कमीने भी नहीं होते। इंडियंस पाकिस्तानियों को मिट्टी में मिला देंगे, ऐसा ही सोचते होंगे ना? हम अगर ऐसा सोचते ना तो तुम्हारे देश की लड़की को पहुंचाने यहां नहीं आता। बरसों से चली आ रही दुश्मनी को एक तरफ करके दोनों देशों ने आपस में मिलकर एक ऐसी संधि बनाई है जिसमें एक दूसरे के देश में कैद दोनों देशों के कैदियों को रिहा कर दिया गया। अपना वादा निभाते हुए भारत ने अपने जेल से 23 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा कर दिया है। इस संधि के पीछे भारत के एक जाबाज सिपाही वासु का बहुत बड़ा हाथ है। दोनों ही देशों के प्रमुखों ने इस संधि को एक खास उपलब्धि बताई है। पाकिस्तान के जेल से छूटकर आए हुए लोग आज अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से जिंदगी गुजार रहे हैं।